बीजेपी के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे और पिछले महीने 18 मार्च को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर विस्तृत चर्चाएं हुई। सूत्रों के अगर माने तो शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। अभिनेता से राजनेता बने सिन्हा प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के कामकाज के आलोचक रहे हैं और दोनों पर देश को तानाशाह की तरह चलाने का आरोप लगाया। सिन्हा ने अभी हाल ही में कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका से हाथ मिलाया है, जिसके बाद वे अब कांग्रेस का हिस्सा हो चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस में शामिल होंगे। जी आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा लगातार 28 मार्च से कांग्रेस में शामिल होने के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। जब से आपको बता दें, पिछले 5 सालों से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और साथ ही भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह पर लगातार शत्रुघ्न सिन्हा देश को तानाशाह की तरह चलाने के आरोप लगाते रहे हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अनिल जी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे और अब उन पे लगता है विराम सा लग गया। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और साथ ही पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के सांसद रहे हैं 5 साल, इससे पहले भी भाजपा के सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले 4 साल से जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, वो मोदी और अमित शाह की वर्किंग से, उनकी कार्यशैली से नाराज थे जी, असहमत थे और पार्टी मंच पर नहीं, पार्टी मंच के बाहर खुलेआम मीडिया में भी वो उसका विरोध कर रहे थे। सार्वजनिक रूप से खिलाफत करने के बावजूद भाजपा उनके खिलाफ एक्शन इसलिए ले रही थी कि उनको शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते थे और उनको हीरो नहीं बनाना चाहते थे मोदी और अमित शाह, लेकिन भाजपा में ऐसी मुखालफत करने वाला भी भाजपा का सांसद बना रहे, संसदीय दल का सदस्य बना रहे, ये एक बड़ी अनहोनी सी बात थी। लेकिन इस ऐसे बात को भी उन्होंने स्वीकार किया अमित शाह जैसे व्यक्ति ने, और ऐसे आलाकमान जो भाजपा और जनसंघ के इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आलाकमान था, उसने शत्रुघ्न सिन्हा की इस मुखालफत को, सार्वजनिक मुखालफत को स्वीकार किया, बर्दाश्त किया, उन्हें पार्टी से नहीं निकाला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और इसी से शत्रुघ्न सिन्हा का महत्व बढ़ता चला गया। यशवंत सिन्हा भी भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, जिनके बेटे केंद्र सरकार मंत्री हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा ही बोल रहे हैं, तो बिहार की राजनीति पर ये एक बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला फैसला है कि शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पटना साहिब से, वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और मैं रिकॉल करना चाहता हूं, एक वक्त था जब आपातकाल लगाने से पहले चंद्रशेखर, जो इंदिरा गांधी के सबसे प्रमुख स्तंभ थे, युवा तुर्क कहलाते, चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहनधारिया, रामधन, तो वो जब इंदिरा गांधी की सो कॉल्ड तानाशाही उनको लगी प्रवृत्ति और वो खिलाफ निकल के बाहर आए सामने, बाद में वो जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो वक्त था जब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पार्टी का आदमी भी बाहर निकल के आया सामने और लोकतंत्र के नाम पर उसने बगावत की और बाहर निकल के जनता के बीच, जनता की अदालत में गया। मुझे वही दृश्य आज फिर याद आ रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं, जो कि भाजपा का आलाकमान है, उसका कार्य करने की शैली उन्हें तानाशाही पूर्ण लगती है या नहीं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। हम एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक के रूप में होते हैं, हम पत्रकार होने के नाते, इसलिए क्या है क्या नहीं ये शत्रुघ्न सिन्हा जाने और अमित शाह जाने, लेकिन फिलहाल वो उसी तरह लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर भाजपा छोड़कर निकले हैं और उसी तरह पर कांग्रेस में जा रहे हैं, जिस तरह पर किसी दिन कांग्रेस से चंद्रशेखर बाहर निकले थे। अब उनका क्या हश होता है राजनीतिक में, क्या वो कोई अपनी छाप छोड़ पाएंगे इस नए स्वरूप में, नए रूप में, नई भूमिका में, ये आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की जनता उन्हें कैसे नवाजेगी। जी अनिल जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। होता है एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और जैसे ही हमारे राजनीतिक विश्लेषक अनिल जी ने बताया कि अपने आप में महत्व उस वक्त बढ़ जाता है जब पार्टी में रहकर और आप पार्टी के आलाकमान के खिलाफ जो आपका व्यक्तित्व है, जैसी आपको लगता है वो आप विचारधारा साफ तौर पर स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने, जनता के सामने खड़े होकर कहते हैं, जिस तरह से लगातार शत्रुघ्न सिन्हा अपने पार्टी आलाकमान और साथ ही पीएम मोदी के लिए कहते रहे हैं कि देश को तानाशाह की तरह चलाया है और अब उनका कांग्रेस में शामिल होना अपने आप में एक बड़ी
उपलब्धि कह सकते हैं आप कांग्रेस के लिए, क्योंकि बिहार की राजनीति पर इसका काफी असर पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से।